नमस्कार, फ्री जॉब अलर्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, एचएससी ने नया नोटिफिकेशन दिया है, नई भर्तियां निकली है। इन भर्तियों के बारे में शायद आप जानते हैं, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ आज, वो शायद आप नहीं जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल फ्री जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, इस नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन यानी hssc.gov.in पे विजिट करके एडवर्टाइज पे जाके भी देख सकते हैं। 2020 की नई एडवर्टाइजमेंट है ये। डेट ऑफ पब्लिकेशन आज है, यानी 12 फरवरी को आज भर्तियां निकली है और इसे आप 24 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या वैकेंसी निकली है ये भी आपको इस के अंदर बताने वाला हूं, यानी इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके अंदर काफी वैकेंसी लगी है। क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए बीए बीकॉम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी संस्कृत आपके पास होना चाहिए, और जो छह पोस्ट लिखी है इलेक्शन नायब तहसीलदार के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टोटल जनरल कैटेगरी की 4 पोस्ट है, बीसीए की 1 है, बीसीबी की 1 है, टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। उसके बाद आपको बता देंगे 21 पोस्ट लिखी है इलेक्शन कानूनों की, यानी आपको बता देंगे कानूनों बन सकते हैं, पटवारी के ऊपर कानूनों की पोस्ट होती है जो री एडवर्टाइज हुआ है। सैलरी भी 35,400 से जो है 112,400 है, और आपके लिए इसके लिए बीए या बीकॉम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें 117 पोस्ट वर्क सुपरवाइजर की निकली है, जिसका वेतन 20,200 तक है, 5200 से 20,200। इसके लिए आपके पास 10वीं होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। अगर आपने आईटीआई की हुई है, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है ट्रेड ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, तो आप वर्क सुपरवाइजर को भी अप्लाई कर सकते हैं। 39 पोस्ट यहाँ पे ऑटो डीजल मैकेनिक की निकली है, जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 22 पोस्टें हैं, टोटल 39 पोस्टें हैं, और वेतन 5200 से लेके 20,200 है। आप इस पोस्ट के लिए भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए, मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर का आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर आपको जो है काफ़ी होना चाहिए। 33 पोस्ट यहाँ पे कारपेंटर की निकली है, कारपेंटर के लिए आपके पास आईटीआई कारपेंटर ट्रेड से होना चाहिए, 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 पोस्ट यहाँ पे प्लम्बर की निकली है, प्लम्बर के लिए भी आपके पास आईटीआई और मैट्रिक होना चाहिए, आईटी के लिए प्लम्बर या फिटर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद 9 पोस्ट टेलीफोन ऑपरेटर की निकली है, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए आपके पास 10वीं के साथ साथ आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ईपी टैक्स सिस्टम की, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टेलीफोन ऑपरेटर या जो रिसेप्शन पे, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। 1 पोस्ट सुपरवाइजर की निकली है, सुपरवाइजर के लिए आपको जो है 2 साल की आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सुपरवाइजर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 27 पोस्ट यहाँ पे पेंटर की निकली है, और पेंटर की पोस्ट के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए ट्रेड ऑफ पेंटर से, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड मैसन की पोस्ट लिख दी है, इसके लिए भी आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 पोस्ट यहाँ पे मैकेनिक की निकली है, एयर कंडीशनिंग जो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक होते हैं यानी एसी मैकेनिक, और इसके लिए भी आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस हर पोस्ट के लिए मांगा गया है। 2 पोस्ट यहाँ पे लाइफ ऑपरेटर की निकली है, जिसके लिए भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं है, 10वीं के बाद 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट यहाँ पे चार्ज मैन की निकली है, और इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 10 पोस्ट यहाँ पे चार्ज मैन इलेक्ट्रिकल की निकली है, जो अलग अलग है, सभी पोस्टों के अंदर जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 115 पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की निकली है, इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 7 पोस्ट यहाँ पे मशीन टूल ऑपरेटर की निकली है, जिसके अंदर भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सभी के लिए आईटीआई अनिवार्य है। 11 पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की निकली है, जिसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड 11 पोस्ट यहाँ पे चार्जमैन की निकली है, जिसके लिए यहाँ पे आईटी सर्टिफिकेट के साथ साथ आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 15 पोस्ट यहाँ पे स्टोर कीपर की निकली है, जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के लिए। एंड 39 पोस्ट यहाँ पे फिल्टर हैवी मशीन की निकली है, जहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट कैटेगरी के लिए। 12 पोस्ट सुपरवाइजर की निकली है, जहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 6 पोस्ट ब्लैक स्मिथ की निकली है, जहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और 14 पोस्ट वर्कशॉप मशीन ऑपरेटर की निकली है, जहाँ पे आपको बता दें कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। चार्जमैन हैवी प्लांट की निकली है, और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, और
इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड 32 पोस्ट इंस्पेक्टर की है, ग्रेजुएशन हिंदी संस्कृत होना चाहिए आपके पास मैट्रिक के अंदर, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद पोस्ट निकली है सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर की, जहाँ पे कॉमर्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, अकाउंटेंट्स का आपको ज्ञान होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए। 2 पोस्ट यहाँ पे सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट के लिए निकली है, जिसके लिए आपको ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 4 पोस्ट इलेक्ट्रिशियन की निकली है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और आपको याद है कि इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 पोस्ट यहाँ पे जूनियर मैकेनिक की निकली है, जहाँ पे कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ITI डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं आपके पास अगर जूनियर मैकेनिक की कोई भी डिप्लोमा है। 11 पोस्ट अकाउंट क्लर्क की निकली है, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर MS वर्ड की। एंड 6 पोस्ट यहाँ पे स्टोर कीपर की निकली है, जिसके लिए आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10वीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टोर कीपर के लिए, स्टोर क्लर्क के लिए। एंड जो है 19,900 वेतन रहेगा। और असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन के लिए भी पोस्ट निकली है, 35,400 सैलरी है, BSc आपके पास होना चाहिए। ये कुछ पोस्टें निकली है जिन पर आप देख सकते हैं, ITI होल्डर अगर आप है तो आप इन जो अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं से लेके ITI होल्डर तक डिग्री के तो लेके जो पे TGT पंजाबी की पोस्ट भी निकली है, यहाँ पे TGT पंजाबी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, TGT की पोस्ट निकली है। और आपको बता दें टूर्न इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकली है एंड फिल्टर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन यानी सब भी हरियाणा के अंदर जितने भी बेरोजगार बैठे हैं सब ने जो कुछ किया सबके लायक यहाँ पे पोस्ट निकली है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट निकली है, प्लस टू होना चाहिए आपके पास फिजिक केमिस्ट्री से, और काफ़ी ऐसी पोस्ट निकली है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या एडवर्टाइज पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।